हमने बड़े शौक से गुलाब के पौधे लगाए थे। एक दिन तू खेलते खेलते अपनी गेंद लेने वहां चला गया, तुझे कांटे चुभ गए थे। हमने तभी के तभी सारे गमले हटवा दिए थे और आज तेरे ये जो भारत के छाले हैं ना हमारे कलेजे को चल नहीं कर रहे, और आज जो ये तेरे हाथ में छाले हैं ना हमारे कलेजे को चल नहीं कर रहे बाबा, हम कैसे बर्दाश्त करेंगे ये देख के। छोटी छोटी बातों पर परेशान है, छोटी बात देखना अपने हाथों को। हम बिल्कुल ठीक है मम्मी। अरे हम बिल्कुल ठीक है मम्मी। तू कितना ठीक है, सब लोग देख रहे हैं कि तू कितना ठीक है। मम्मी काम करेंगे तो चोट को वही तो पूछ कर ना बाबू, तू ऐसा क्या काम करके आया है कि तेरे हाथों हमारे बाबू के हाथ छाले पड़ गए। हम मजदूरी करते हैं। विक्रम भैया, कृष्णा जी ने मजदूरी की, चोरी नहीं, जो बाबू जी की इज्जत पर आ जाएगी। और रही बात लोगों की, तो वो ये भी तो सोच सकते हैं ना कि बाबू जी का दिया हुआ हर सुख हर सुविधा है कृष्णा जी के पास, उनके बाद भी अपनी पहचान बनाने के लिए वो मजदूरी करने के लिए भी तैयार है। सोचिए कितने गर्व की बात है हमारे लिए। और फिर कोई काम ईमानदारी से किया हो तो काम छोटा थोड़ी ना होता है। तुम ना ये ज्ञान का महासागर बनना बंद कर। अरे कोई अपनी पहचान बनाने के लिए अपनी जान दे देगा? राजकुमार से कम नहीं है हमारा बाबू। हम राजकुमार मजदूरी करने के लिए नहीं, राज करने के लिए पैदा होते, समझी तो? राज करने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। अरे नहीं कराना हमको अपने बाबू से मेहनत, नहीं कराना। देखो इसका क्या हाल हो गया। नहीं मम्मा, अपने फैसले से मुकर कर जीना, दर्द से डर कर जीना और सिचुएशन से हार कर जीना, ये जिंदगी नहीं बल्कि समझौता कर खेलना। और हमें समझौता करने के लिए मजबूर मत करो, बल्कि हमें सपोर्ट करो, हमारे फैसले को सपोर्ट करो, ताकि हम अपने फैसले पर अडिग रह पाए और कामयाब हो पाए। दिमाग नहीं समझ पाएगा, तुम जाओ अपने कमरे में जाके आराम कर। और कोई कुछ भी बोले ना यार, तुझे किसी के सुनने की जरूरत नहीं, हम तुमको इस तकलीफ में नहीं देख सकते। नहीं।